रोज मजेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। सुबह के 11 बज गए थे। मंजू अपनी मालकिन के घर पहुँचती है। मंजू को देख उसकी मालकिन कहती है, हे भगवान, तू इतनी जल्दी आ गई। अरे तुझे पता है टाइम क्या हो रहा है? मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, वो बरसात हो रही थी और इस वजह से मुझे देरी हो गई, क्योंकि मेरे घर में पानी भर रहा था और सड़कों पर भी पानी भरा हुआ था, इसीलिए मुझे माफ कर दीजिए। जब तुम्हें पैसों की जरूरत होती है तब तो तुम्हें मुंह उठाकर मेरी याद आ जाती है, हाँ मेरे पास आ जाती हो बिना देरी किए, और आज जब थोड़ी सी बारिश क्या हो गई, तुम गरीब इसी तरह बाहर ही मरोगे। मालकिन, हम गरीब लोग, हम लोग दो पैसों में खुश रहते हैं। मेरा घर बरसात की वजह से टपक रहा है और मेरे घर में मेरे दो छोटे बच्चे हैं, उनका ख्याल रखना होता है, और इसीलिए मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। हाँ हाँ ठीक है, वैसे तुम गरीबों की तो बात ही अलग है, जुबान तो ऐसे चलती है जैसे कोई कैची चल रही हो। और हाँ, पहले तुम खुद को साफ करो, उसके बाद मेरा घर का काम करना, समझी तुम? इतना कहकर मालकिन चली जाती है और मंजू खुद को साफ करके घर के अंदर चली जाती है और किचन में खाना बनाने लगती है। कुछ समय बाद जब खाना बन जाता है तो वह सारा काम निपटा कर शाम के 5 बजे अपने घर जाने के लिए अपनी मालकिन से कहती है। मालकिन, शाम के 5 बज गए हैं, मेरे दोनों बच्चे घर पर अकेले होंगे, क्या मैं घर चली जाऊं? एक तो लेट आती हो और ऊपर से घर भी जल्दी जाना है। अरे पगार तो तुम्हें समय पर चाहिए होती है, अगर एक दिन भी लेट हो जाए तो तुम लोग सर पर चढ़कर नाचने लगते हो, तो मैं तुम्हें जल्दी कैसे छोड़ दूं? अरे बाहर बारिश हो रही है, चल जा मेरे लिए चाय बना कर ला। पर मालकिन, मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर तू आज जल्दी गई तो कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। बेचारी मंजू कुछ नहीं बोलती और सारा काम करके घर के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो अपने घर पहुंचती है तो अपने दोनों बच्चों को एक कोने में बोरा ओढ़े हुए बैठा देख खुद से कहती है, हाँ ये गरीबी, भगवान जाने आखिर इस बारिश के समय हम गरीब लोगों पर क्यों बरसता है। मंजू ये सब बातें खुद से कह ही रही थी कि तभी मंजू के कानों तक उसकी बेटी विशाखा की आवाज आती है। वो अपनी बड़ी बहन से कहती है, दीदी देखो ना, घर में पानी भर रहा है, क्या हम डूब जाएंगे? नहीं विशाखा, तू चिंता मत कर, हम इस पानी में नहीं डूबेंगे। उन दोनों की ये बातें सुन मंजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने बच्चों के पास जाती है और उन्हें गले से लगा लेती है, और कुछ समय बाद वह खाना बनाकर अपने बच्चों को खिला देती है। अगली सुबह शीला स्कूल चली जाती है और विशाखा के पेट में दर्द होने की वजह से स्कूल नहीं जाती। एक तरफ तो विशाखा की तबीयत खराब थी, वहीं दूसरी तरफ मंजू को मालकिन के घर जाकर काम भी करना था, इसलिए मंजू विशाखा को अपने साथ अपनी मालकिन के घर ले जाना जरूरी समझती है। विशाखा मंजू को एक पॉलिथिन उड़ा देती है, जिसके बाद वह अपनी बेटी को अपने साथ ले जाती है। कुछ समय बाद वह बारिश में अपनी बेटी के साथ मालकिन के घर पहुंच जाती है, जहां मालकिन उसको और उसकी बेटी को देख कहती है, अरे 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 ये कैसे लेकर आ गए? मालकिन, ये मेरी बेटी है, आज इसकी तबीयत खराब थी और घर में पानी भरा हुआ था, इसीलिए उसको अपने साथ ले आई हूँ। ये कुछ नहीं करेगी, एक किनारे बस चुपचाप बैठी रहेगी। हाँ हाँ ठीक है, चल अब जाकर काम कर ले अपना। इतना कहकर मंजू अब काम करने लगती है। मालकिन अपने घर की एसी चलाकर टीवी देखने लगती है और मंजू को पनीर पकोड़े बनाने का ऑर्डर देती है। एक तरफ वो अब बैठकर चाय पकोड़े के साथ एसी में टीवी के मजे ले रही थी, दूसरी तरफ बेचारी विशाखा बुखार में ठंड से कांप रही थी। बेचारी विशाखा को जब ठंड बर्दाश्त ना हो सका तब वो किचन में अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ अमीरों को बारिश धूप या ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर हम गरीबों को ही बारिश की मार क्यों झेलनी पड़ती है? बेटा हम गरीब है ना, इसीलिए हम गरीबों की औकात नहीं कि हम अपने लिए कुछ कर सके, हमारे पास तो बस उतना ही पैसा होता है जितने में हम खुद का पेट भर सकें। मंजू और विशाखा एक दूसरे से बातें कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ मालकिन के पास बेटे के स्कूल से फोन आता है। फोन पर स्कूल के प्रिंसिपल रहते हैं। आपके बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अगर आप इस बरसात में अपने बेटे को ले जा सकती हैं तो आप जल्द से जल्द आइए।
यह सुन मालकिन के होश और हवास उड़ जाते हैं। वह बेचैन हो जाती है। बाहर बारिश देख वह खुद से कहती है, हे भगवान, सड़क पर तो इतना पानी भरा है, आखिर मैं बरसात में जाऊं तो जाऊं कैसे। अपनी मालकिन को इतना परेशान देख मंजू उससे परेशानी का कारण पूछती है, लेकिन उसकी मालकिन उससे कुछ नहीं बताती और मंजू वहां से चुपचाप चली जाती है। और इस तरह 3 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। मालकिन को बेटे की चिंता सताए जा रही थी। अब मालकिन खुद ही मंजू के पास जाती है और सारी परेशानी बताकर रोने लगती है कि तभी उसके घर की दरवाजे की बेल बज गई। और जैसे ही मालकिन दरवाजा खोलती है, वैसे ही उसके बेटे को शीला अपने साथ लेकर आ रही थी। उसके बेटे को शीला ने पन्नी पहना रखी थी और खुद भीगते हुए आ रही थी। यह देख मालकिन को अपने किए पर पछतावा होता है और वो विशाखा का इलाज करवाती है, साथ ही शीला को कपड़े पहनने के लिए देती है। जब मालकिन को यह मालूम चलता है कि बारिश में मंजू का घर तबाह हो चुका है, तब वह मंजू से कहती है, मंजू, जब तक बारिश नहीं रुक जाती, तुम और तुम्हारी बेटियों के साथ तुम मेरे घर में रह लो। मुझे ये पता नहीं था कि तुम गरीब के ऊपर ये बारिश किसी बिजली की तरह टूट पड़ती है। ये बारिश हम लोगों के लिए आसान होती है, लेकिन तुम गरीबों का सब कुछ तबाह कर जाती है। और तुम अपनी दोनों बेटियों की चिंता मत करना, क्योंकि मेरी बेटी नहीं है, इसीलिए वो दोनों आज से मेरी बेटियां कहलाएंगी। यह सुनकर मंजू खुश हो जाती है और अपनी मालकिन को धन्यवाद करके वह सभी एक साथ खुशी से एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। सज्जनपुर गांव में सीमा अपनी माँ मेघा के साथ रहती थी। सीमा की माँ काफी गरीब थी और हमेशा बीमार रहती थी। बेचारी सीमा अपनी माँ को लेकर हमेशा चिंता में रहती थी। और ऐसे ही एक दिन मेघा सीमा से बोलती है, बेटा सोना, मुझे लगता है अब मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूंगी, इसलिए जब तक मैं जिंदा हूँ तुम शादी कर लो। ओहो माँ, क्यों बोल रही हो, अभी तुम्हें बहुत जीना है। नहीं बेटा, मुझे लगता है अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मेरी बच्ची, क्या तुम मेरी एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। ओहो माँ, मैं तुम्हारी एक क्या बल्कि हजार ख्वाहिश पूरी कर दूंगी, लेकिन तुम मरने की बात मत करो, और मैं तुम्हारे कहने पे अपनी जान भी हाजिर कर दूंगी, तो ये शादी कौन सी बड़ी बात है। तो फिर तुम उससे एक वादा कर कि तू उससे ही शादी करेगी जिसे मैं कहूंगी, क्योंकि मैंने तेरे लिए एक लड़का देखा हुआ है और वो तेरा बहुत ध्यान रखेगा। ठीक है माँ, आप जहाँ कहेंगे मैं वहीं पर शादी करूंगी। वो दोनों बातें करके सो जाते हैं और अगले दिन राघव सीमा के घर आता है और उसको देखकर पसंद करके चला जाता है। अगले एक हफ्ते के बाद सीमा की शादी की डेट फिक्स होती है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी बेटी सीमा की शादी करवा सके। और अपनी माँ को चिंता में देख सीमा और ज्यादा टेंशन में आ जाती है और रोते हुए अपने घर से निकल जाती है। रोते रोते वो एक नदी किनारे पहुँचती है और नदी के पास बैठकर रोते हुए खुद से बोलती है, हे भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहा है तू मुझे। एक तरफ तो एक हफ्ते बाद शादी है, वहीं दूसरी तरफ तू मुझसे मेरी माँ को छीन रहा है। भला ऐसा मेरी किस्मत में क्यों लिखा तूने, क्यों मुझे इतने दुख इतनी तकलीफ दे रहा है तू। एक तरफ मैं अपनी माँ को छोड़कर अपने ससुराल जा रही हूँ और दूसरी तरफ मेरी माँ मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा रही है। सीमा को रोता हुआ देख सोना के सामने एक मछली आती है और उससे बोलती है, सीमा सीमा, क्यों रो रही हो तुम, तुम्हें क्या दिक्कत है। सीमा उसको रोते हुए सारी बात बता देती है कि तभी वो छोटी सी मछली एक जलपरी में परिवर्तित हो जाती है और उस जलपरी को देख सीमा हैरान हो जाती है और उससे बोलती है, तुम तो एक मछली थी ना। हाँ हाँ, पर तुम जलपरी कैसे बन सकती हो, मैं कोई सपना देख रही हूँ क्या। Oh, no. सीमा को हैरान होता देख जलपरी उससे बोलती है, अरे सीमा, तुम इस तरह हैरान मत हो, क्योंकि मैं कोई मामूली मछली नहीं बल्कि जलपरी हूँ। मैं तो यहाँ शिकारियों से बचने के लिए एक मछली का रूप लेकर रह रही हूँ, परंतु तुम्हारी दिक्कत ज्यादा बड़ी है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी शादी के लिए 3 लहंगे देती हूँ।
वो लहंगे कोई मामूली लहंगे नहीं बल्कि जादुई लहंगे हैं। उनसे जो भी मांगोगी वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। इतना कहकर वो जलपरी उसको जादुई 3 लहंगे दे देती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। ये तीनों लहंगे बहुत ही ज्यादा चमक रहे होते हैं और उस जादुई लहंगे का जादू देखने के लिए सीमा उन लहंगों को आजमाती है। हे जादुई लहंगे, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो बहुत बीमार है, मुझे उनकी दवाई के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे पैसे चाहिए। Oh, no. सीमा के इतना कहते ही एक लहंगा उसे 2000 के नोट देने लगता है, वही दूसरा लहंगा उसे हीरा देता है और तीसरा लहंगा उसको चांदी के सिक्के देने लगता है। ये सब देख सीमा हैरान हो जाती है और वो सारे पैसे हीरे और चांदी के सिक्के उठाकर सुनार के पास जाती है और उसे बेचकर अपनी माँ की दवाई लेकर अपनी माँ को खिला देती है। ये देख मेघा अपनी बेटी से बोलती है, बेटा बेटा सीमा, ये तेरे पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं? अपनी माँ को ये सवाल करता हुआ देख सीमा अपनी माँ को सब कुछ बता देती है। सीमा की बात पर मेघा को विश्वास नहीं होता और इसलिए वो उन 3 लहंगों से कुछ मांगती है। हे जादुई लहंगे, मेरी बेटी की शादी अगले 3 दिन के बाद है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उसकी शादी के लिए दहेज इकट्ठा कर सकूं और उसको कुछ दे सकूं। उसकी शादी के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। मेघा के इतना कहते ही तीनों जादुई लहंगे जिसमें से एक लहंगा उसको 2000 के नोट देने लगता है, वही दूसरा लहंगा उसको हीरा देता है और तीसरा लहंगा उसको चांदी के सिक्के देने लगता है। ये देखकर मेघा भी हैरान हो जाती है, लेकिन वही दूसरी तरफ उसको इस बात की खुशी होती है कि अब उसकी बेटी की शादी अच्छे से हो जाएगी। और देखते ही देखते शादी का दिन भी आ जाता है और सीमा की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। जब सीमा की विदाई का समय आता है तब सीमा अपनी माँ से बोलती है, माँ मैं तो अपना घर बसाने के लिए जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारे पास कोई भी नहीं रहेगा, तुम अपनी देखभाल कैसे करोगी? अरे बेटा तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तो बूढ़ी औरत हूँ, मुझे कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कुछ खाने पीने को देता रहेगा। नहीं माँ, आप ऐसा नहीं बोल सकती, मैं ये जादुई लहंगे आपके पास छोड़ कर जा रही हूँ, आप इससे अपनी मदद करते रहना और जरूरतमंद लोगों की भी मदद करते रहना। इतना कहकर सीमा उस जादुई लहंगे से बोलती है, हे जादुई लहंगे, मेरी माँ को एक अच्छा सा बंगला दे दो जिसमें नौकर चाकर सब हो और मेरी माँ को आगे कोई भी परेशानी ना झेलनी पड़े। सीमा के इतना कहते ही जादुई लहंगे एक बड़ा सा बंगला उसकी माँ को दे देते हैं और उस बंगले में नौकर चाकर हर वो जरूरत का सामान मौजूद रहता है जो उसकी माँ को चाहिए होता है। वहीं दूसरी तरफ सीमा अपने घर से विदा लेकर अपने ससुराल की ओर निकल पड़ती है और देखते ही देखते दिन गुजर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेघा अपने जैसे गरीबों की मदद करने लगती है और खुशी खुशी रहने लगती है, लेकिन उसकी ये खुशी उसकी पड़ोसन से बर्दाश्त नहीं हो सकी और वो अपने मन में सोचती है, कुछ तो गड़बड़ है, इसके पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ ही दिनों में इसके पास इतना सब कैसे आ सकता है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। इतना कहकर मेघा की पड़ोसन मेघा के घर में छुप जाती है और छुप छुप कर मेघा को देखती है। मेघा अपनी नौकरानी के लिए पैसे लेने के लिए लहंगे के पास जाती है और बोलती है, हे जादुई लहंगे, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। उसके इतना कहते ही वो जादुई लहंगा 2000 के नोट निकालने लगता है। ये सब देखकर उसकी पड़ोसन के मन में लालच आ जाता है और वो खुद से बोलती है, अच्छा तो ये राज है, अब मैं इस लहंगे को ले जाऊंगी और मैं भी अमीर हो जाऊंगी। इतना कहकर पड़ोसन उसका लहंगा चोरी करने चली जाती है, लेकिन वो उसका लहंगा चुरा नहीं पाती क्योंकि वो लहंगा उसको करंट लगा देता है, जिस वजह से
वो सब कुछ भूल जाती है और अपने घर चली जाती है, जिसके बाद अब सब खुशी से रहने लगते हैं। शांति अपने छोटे से परिवार के साथ एक टूटे फूटे घर में रहा करती थी। उसके पति विक्रम का 4 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। उस दुर्घटना की वजह से उसके पैर नहीं रहे। अब वह बिस्तर पर अपनी सारी जिंदगी बिताने पर मजबूर हो गया। विक्रम जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचा करता था और इसी तरह अपना घर चलाया करता था। लेकिन एक्सीडेंट हो जाने के बाद शांति को घर की कमाई के लिए निकलना पड़ा। वह भी जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचा करती थी और कमाए हुए पैसों से अपने गरीब घर को चलाया करती थी। सावन का महीना चल रहा था। एक शाम आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे, लेकिन शांति गरजते हुए बादलों को देखकर चिंता में पड़ जाती है। वह खुद से बोलती है, हे भगवान, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि अगर बारिश आई तो मेरी छत से पानी टपकेगा। भगवान हमारी रक्षा करना। शांति इतना बोलकर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करती है। वह फूकनी से चूल्हे में फूक मार रही थी। धुएं की वजह से उसकी आंखों में पानी आ रहा था। तभी बाहर तेज बारिश और आंधी तूफान शुरू हो जाता है। आंधी की वजह से उसका मन झनझना जाता है। ऐसा लग रहा था कि अभी जोरदार हवा के झोंके से पूरा घर गिर जाएगा। बारिश तेज होने की वजह से छत टपक रही थी। चारों ओर घर में पानी टपक रहा था। चूल्हे की आग बुझ जाती है और खाना कच्चा ही रह जाता है। शांति के बेटे विकास को भूख लगी थी। वह उसके पास आकर बोलता है, माँ आज खाने में क्या बनाया है, बड़ी जोर की भूख लगी है। उसकी बात सुन शांति उदास मन से कहती है, बेटा आज मैं खाने में दाल चावल बना रही थी, लेकिन बारिश के आने के दौरान हमारा घर टपकने लगा और इस वजह से चूल्हे में पानी चला गया और खाना कच्चा ही रह गया। क्या माँ, अगर यही चलता रहा तो हम जल्दी मर जाएंगे। एक तो अपना घर भी नहीं, ऊपर से हम इतने गरीब हैं और आज अगर मैं भूखा हूँ तो इस बारिश और बाढ़ के चलते सब कुछ कच्चा रह गया। अपने बेटे की बदतमीजी देख विक्रम कहता है, बेटा तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे पिता पैर से अपाहिज है और तुम्हारी माँ जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर बेच कर आती है, और आज जब इस बाढ़ के चलते खाना कच्चा रह गया तो तुम अपनी माँ से इतनी बदतमीजी से बात करोगे? विकास कुछ नहीं कहता और चुपचाप वह कच्चा खाना खा लेता। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं, लेकिन बारिश का कहर थमता नहीं और बारिश के चलते उस गांव में बाढ़ आने लगती है। कुछ दिनों बाद थोड़ी सी धूप निकलती है। वहीं अब शांति के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और ना ही उसके पास पैसे थे। यह देख शांति खुद से कहती है, अभी तो घर में पैसे भी नहीं बचे और ना ही कुछ खाने का सामान है। मैं अपने बेटे और अपने पति को क्या खिलाऊंगी? मुझे कुछ करना होगा। इतना सोचकर वो अपने पति के पास जाती है, जहाँ उसका पति और उसका बेटा बिस्तर पर बैठे होते हैं, क्योंकि नीचे घर में पानी भरा रहता है। शांति अपने पति के पास जाकर अपने पति और अपने बेटे से कहती है, विक्रम, विकास घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है और ना ही मेरे पास पैसा है, इसलिए मैं जंगल जाकर लकड़ियाँ काट कर लाती हूँ। लेकिन शांति, जंगल में लकड़ियाँ तो गीली होंगी और गीली लकड़ियों को कौन खरीदेगा? विक्रम जी, मुझे अपने घर को चलाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। इतना कहकर शांति जंगल चली जाती है और वहाँ सूखी लकड़ियाँ ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कोई लकड़ी नहीं मिलती। बेचारी वापस आती है और कुछ खाने के लिए वो वेद से उधार लेती है। वो घर आने लगती है कि तभी आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट काफी तेज हो जाती है और अचानक बारिश ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया। उत्तराखंड में बारिश का कहर इतना बढ़ गया कि एक बार दोबारा बाढ़ आ जाती है, सभी के घर में पानी भर जाता है और अब उत्तराखंड हाई अलर्ट पर आ जाता है। उस गांव में कई लोगों के घर तबाह हो गए थे। सभी लोग अपना पोरिया बिस्तर बांधकर विस्थापित होने लगे थे। ये सब देख शांति थोड़ी घबरा जाती है और अपने मन में कहती है, हे भगवान, ये तो बाढ़ आ चुकी है, पता नहीं मेरे बेटा और मेरा पति दोनों कैसे होंगे। वो अपने आप में बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर विशाल नाम का एक आदमी आता है और वो शांति से कहता है, शांति बहन, बाढ़ का कहर इस तरह बढ़ गया है कि इस बार कोई भी नहीं बच पाएगा, इसलिए मैं तो कहता हूँ कि अपने पति और अपने बेटे को लेकर यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल जाओ, क्योंकि यह बाढ़ सब कुछ बर्बाद कर देगी। उसकी बात सुनकर शांति अब बाढ़ में जैसे तैसे करके अपने घर तक पहुँचती है, जहाँ वो अपने घर को बाढ़ में बहता हुआ देख कर फूट फूट कर रोने लगती है और अपने बेटे और पति को ढूंढती है, लेकिन वह दोनों उसे वहाँ नहीं मिलते, जिसके बाद शांति रोने लगती है। तभी शांति की नजर एक पेड़ की तरफ पड़ती है, जहाँ वह देखती है कि उस पेड़ से एक खाट अटक रखी है। उस खाट पर विकास और विक्रम दोनों ही फंसे हुए थे। उनको देख शांति दौड़ते हुए उनके पास आती है और उन्हें गले लगा लेती है। यह देख कि उसका सब कुछ बर्बाद हो गया है, लेकिन उसका पति और बच्चा अभी भी जीवित हैं, वो खुश हो जाती है। शांति को कुछ और नहीं चाहिए था
वह उस खाट को खींचते हुए दूसरे किनारे पर ले जाती है। वह किनारा कोई मामूली किनारा नहीं बल्कि एक अच्छा खासा बसा हुआ शहर था। वह उस शहर में एक जगह अपनी झोपड़ी बनाती है, जिसके बाद वह अपने परिवार वालों के साथ दूसरों के घर में जाकर काम करती है और इस तरह धीरे धीरे अपने परिवार को संभाल लेती है और खुशी से रहने लगती है। झंझारपुर में सीता नाम की एक औरत अपने बेटे राज के साथ रहती थी। सीता बहुत ही मॉडल और फैशनेबल थी। वह अपने बेटे की शादी एक मॉडल लड़की से कराना चाहती थी और अपने बेटे राज के लिए अपने ही जैसे एक अमीर और मॉडल लड़की की तलाश में थी। शाम का समय था। राज एक लड़की के साथ शादी के जोड़े में अपने घर आता है और अपने बेटे को शादी के लिबास में देख सीता बोलती है, अरे बेटा, मैं तो तेरी शादी के लिए खुद ही लड़की ढूंढ रही थी, लेकिन तू तो शादी करके आ गया। हाँ माँ, वो इसलिए क्योंकि मैं एक संस्कारी लड़की चाहता हूँ। आप बहुत ही फैशनेबल है, मैंने शुरू से सिर्फ और सिर्फ फैशन वाली चीजें देखी है, लेकिन आज तक मैंने अपना कल्चर ठीक से देखा ही नहीं है। अरे मेरे बच्चे, तू इसको ऐसे शादी करके लाया है, ये भी तो एक मॉडर्न तरीका है। देख, मैं भले तेरी मॉडर्न माँ हूँ, लेकिन अपने बेटे की खुशी को बहुत प्यार करती हूँ। खैर, तू इसको शादी करके ले ही आया है, तो अब ये मेरी बहू है और अब ये भी मेरी तरह मॉडर्न बनेगी। इतना कहकर वो उन दोनों को घर में आने को कहती है। ये सब देखकर रीतिका को बहुत ही शॉक लगता है। वो चौंकते हुए अपनी सास से बोलती, अरे मम्मी जी, हम दोनों ने अभी शादी की है, क्या आप हमारा गृह प्रवेश नहीं कराएंगी? ओह माय डियर, तुम मॉडर्न कल्चर में हो, कौन से जमाने में जी रही हो? यू बोथ आर सो क्यूट कपल्स। अपनी सास का ऐसा बर्ताव देखकर रीतिका राज से बोलती है, ओह माय गॉड राज, ये तुम्हारी माँ है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, इतनी एजर होने के बावजूद इतनी मॉडर्न। हाँ रीतिका, इसी बात का तो दुख है कि वो मॉडर्न है, क्योंकि उन्होंने अपने इस चमकती तमकती दुनिया में अपने कल्चर को ही खो दिया है। वो अपना कल्चर जानती ही नहीं है। डोंट वरी राज, अब मैं आ गई हूँ ना, सब कुछ ठीक कर दूंगी। इतना कहकर रीतिका और राज दोनों ही अपने कमरे में चले जाते हैं। और अगली सुबह जब रीतिका साड़ी पहनकर नीचे किचन में आती है, तब उसकी सास उसे इंडियन कल्चर में देखकर बोलती है, अरे बेटा, तू बहू है लेकिन तू बिल्कुल आंटी लग रही है। अरे आजकल के जमाने में साड़ी कौन पहनता है? चल, मैं तुझे एक से एक शॉर्ट ड्रेसेस दिलाती हूँ। मम्मी जी, अभी मेरा बाहर जाने का बिल्कुल मूड नहीं है, वैसे भी मैं खाना बनाने जा रही हूँ। डैम, घर पे खाना बनाओगी? रुको रुको रुको, मैं अभी फूड ऐप से नूडल्स और चाइनीज फूड मंगवा रही हूँ। जस्ट वेट। रीतिका अपनी सास को बाहर से खाना मंगवाने को मना करती है, लेकिन उसकी सास नहीं मानती और बाहर से खाना ऑर्डर करवा देती है। इस तरह दिन बीतने लगे। आए दिन सीता रीतिका को मॉडल रहने के लिए फोर्स करती है, लेकिन रीतिका एक मामूली और संस्कारी लड़की की तरह रहती है। एक दिन की बात है, सीता फूड ऐप से खाने का ऑर्डर करती है और थोड़ी देर बाद जब उसका ऑर्डर उसके घर के पास आता है और जैसे ही सीता दरवाजा खोलती है, वैसे ही वह मौजूद डिलीवरी बॉय उसको छोटे छोटे कपड़ों में देखकर बोलता है, अरे वाह, मेरे सामने 45 साल की एक महिला इन छोटे छोटे कपड़ों में खड़ी है, ऐसे कल्चर तो देखने को बहुत कम ही मिलते हैं। वैसे आप बहुत सुंदर लग रही है। ओह थैंक यू सो मच। वैसे मुझे पता है जी, बिल्कुल, अगर आपकी जगह कोई अच्छी सी लड़की होती तो मैं इसे अपनी गर्लफ्रेंड ही बना लेता। हे भगवान, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मुझे इनडायरेक्टली किसी लड़की से कंपेयर कर रहे हो क्या? अरे नहीं मैम, खैर क्या मुझे एक ग्लास पानी मिलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल, चलिए आप मेरे घर में आइए। इतना कहकर सीता उस डिलीवरी बॉय को अपने घर के अंदर ले आती है और जब वो अंदर पानी लेने के लिए जाती है, तब डिलीवरी बॉय उसके घर में चोरी करने लगता है। जैसे ही वो चोरी करना शुरू करता है, वैसे ही रीतिका आ जाती है और उसे चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लेती है, जिसके बाद वो तुरंत पुलिस को फोन कर पुलिस को बुलाती है। जब तक पुलिस आए, तब तक रीतिका उस चोर को पकड़ कर खूब मारने लगती है और मारते हुए कहती है, तुम जैसे नीच इंसान को चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? अरे तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए ना कि अपने बलबूते कुछ कमा सको। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां आ जाती है और उसे अरेस्ट करके वहां से चले जाती है। यह सब देख सीता अपनी बहू से बोलती है, अरे बहू, ये तो एक चोर निकला। हाँ माँ, ये एक चोर है, और आपने इसको अंदर क्यों आने दिया? वो दरअसल इसने मेरी थोड़ी तारीफ कर दी थी ना, इसीलिए। मम्मी जी, आप एक इंडियन हो और इंडियन कल्चर अपनाना आपका सबसे पहला फर्ज है, लेकिन आप उसे अपनाती ही नहीं। मैं कुछ नहीं बोलती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई आपकी जरा सी तारीफ करे तो आप उसको सीधे घर के अंदर पनाह दे दें। अपनी बहू की बातें सुन अब सीता को अकल आ जाती है और वह मुंह लटकाए वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वह एक साड़ी पहनकर नीचे आती है और अपनी बहू से बोलती है, बहू, तू सही बोल रही है, मैं इंडियन हूँ
और मुझे अपना कल्चर कभी नहीं भूलना चाहिए, इसलिए मैं आज से मॉडर्न नहीं बल्कि एक मामूली सास बनकर रहूंगी। लेकिन बेटा तू ये सब राज को मत बताना प्लीज। उसकी बातें सुनकर रीतिका सहमत होती है और राज को कुछ नहीं बताती। जिसके बाद सभी लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं, वो भी मिलजुल कर, जहाँ सब कुछ संस्कार में चलता है।